हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि मात्र 2 दिन में ही दाद, खाज, खुजली, काच, दिनाई को कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि दाद, खाज, खुजली, दिनाई क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, तो उस वीडियो का लिंक हम इसके आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको दे देंगे। वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर दाद, खाज, खुजली क्यों होता है, काले धब्बे क्यों होते हैं, लाल धब्बे क्यों होते हैं, इन सभी के बारे में उस वीडियो में हम आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसा दवा है जिससे कि आप दाद, खाज, खुजली, भयंकर से भयंकर दिनाए, कि चाहे कितना हो भी पुराना आपको दिनाए है या चाहे भी कितना हो पुराना आपको काश है, मात्र 2 दिन में ठीक होगा। तो वो क्या चीज है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं स्किन पे। सबसे पहले हम जानेंगे केटो एस्काल प्लस के बारे में। इसमें केटकोनाजोल है जो कि किसी भी प्रकार के काच हो, चाहे कितना हो भी पुराना काच हो आपका, उसे मात्र 2 दिन में ठीक करने के लिए इसमें क्षमता होती है। उसके साथ साथ जैसे कि मुंह में काले थप्पे, फुंसी, बड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इस क्रीम को हम बहुत से सारे लोगों के ऊपर इस्तेमाल करके देखा है। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल किए हैं और इसका 100% फायदा मिला है। चाहे कितना हो भी पुराना आपका काच हो, उसे मात्र 2 दिन में ही ठीक कर देता है, साथ में ही मुंह के काले थप्पे, फुंसी, बड़े भी खत्म कर देता है। तो ये हो गया काच के लिए आपका एक नंबर दवा जो कि 2 दिन में ठीक कर देता है। और दूसरा नंबर है यमराज लोशन। ये यमराज लोशन है, इसे भी आपका चाहे कितना हो भी खुजली हो, अब जैसे कि रह गया कि किसी किसी पार्ट में खुजली है तो वहाँ पे आप इस लोशन को लगा सकते हैं और इसे दांत, खाज, खुजली, दिनाए और उंगलियों के बीच जो चर्म रोग होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ये लाभकारी होता है, बहुत ही लाभ देता है। और इसे लगाने से पहले आप एक बात से सतर्क हो जाए कि इसे आप लगाए तो उस जगह को ज़्यादा खुजलाए नहीं, क्योंकि ये जब लगता है जिस स्थान पे जहाँ पे आपको काच है, दिनाए है, खुजली है, वहाँ पे अगर आप इसे लगा देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होता है, इसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप सबसे पहले इससे आप सतर्क हो जाए कि आप लगाने से पहले उस स्थान को ज़्यादा खुजलाए नहीं। ये हमारे पास पारसमणि है, ये सबसे अच्छा अगर उपयोगी होता है तो ये है दिनाए के लिए। आपका चाहे कितना हो भी बड़ा दिनाए हो, चाहे कितना हो भी पुराना दिनाए हो, वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पास इसके साथ में कुछ आपको एंटीबायोटिक टेबलेट भी लेना पड़ेगा जिससे कि आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा ही आप बहुत तेज ही आपका दिनाए खत्म हो जाएगा। जैसे कि खाज के लिए, दाद के लिए, फटा हुआ है उसके दाग के लिए, जहाँ जल गया है उसके दाग के लिए भी, और फुड़सरके के दाग के लिए भी, ये सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन बहुत अच्छा ये काम करता है दिनाए के लिए। आपका चाहे कितना हो भी पुराना दिनाए हो, उस पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नहाने से पहले या तो डिटोल साबुन का इस्तेमाल कीजिए या तो केटकोनाजोल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो आप नीम साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी साबुन से आप नहा लीजिए, इन तीनों में से कोई साबुन आप ले करके नहा लीजिए और उसके बाद लोशन को लगा लीजिए। जब लोशन सूख जाए उसके बाद में इस मलहम को लगाइए जहाँ आपको दिनाए है। मात्र 2 दिन में ही आपका दिनाए भूसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो काच है आपका, चाहे कितना हो भी पुराना काच हो, आप इन तीनों साबुन के, मतलब कि नीम, डिटोल, केटकोनाजोल साबुन से आप तीनों में से किसी एक साबुन को परचेस कर सकते हैं और उन साबुन से नहाने के बाद फ्रेश वस्त्र से, अपना फ्रेश कपड़ा से अपना शरीर पोंछ करके इस लोशन को लगाना है। इस लोशन को लगाने के बाद जब लोशन सूख जाए शरीर पे, तो उसके बाद में आप इस केटकोनाजोल मलहम को वहाँ पे लगाइए। आपका मात्र 2 दिन में ही भयंकर से भयंकर काच आपका खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक की बात रही कि खाने पीने में, तो आप मांस मछली, अंडा, मुर्गा, आपका काच दिना जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।